देखिए हमारे शोरा तुम नहीं है, ये लोग खुदा के मिसले पे तस्लीम लगा देते हैं। नहीं ऐसे नहीं, पूरा वादा कीजिए, जो अंग्रेजी जानते हो प्रॉमिस करें कि हम चुप नहीं रहेंगे। चुप वो रहे जिसका माजी जानदार हो। जिसकी तारीफ से आओ, हमारी हमारा लिबास तो सया है मगर हमारी तारीफ से आ नहीं है। लिहाजा हम सर झुका के नहीं बैठेंगे, सर उठा के बैठेंगे। यह अहले बैत का करम है, उन्होंने हमारी गर्दन नहीं छुपाई। जब अली
के फजाइल बयान हो गए उनको और घर ना बैठे। इसलिए कि अली के अलावा कोई आपसे इसलिए कि आपने इतनी मेरी तारीफ की थी मैं पूरे नहीं समा रहा विलायत के कैफ में चुप हो गए हैं।
करते कहते हैं। तो अब यही ये फारसी वाला मिसरा सुन लीजिए बस, शाहे मल्का ताड़ी सफाई रखने बल्कों की शान से बोलना। इसलिए कि हमारा वो बूढ़ा नहीं है जो मैं नाम छोड़ दे, हमारा बूढ़ा जरा
मतलब मौत है। अली तकबीर कहने जा रहे हैं जाओ मलकुल मौत। अब ये तो नहीं कहा कि अभी मिसाल के तौर पर पैर की तरफ से रूह निकल रही है, धीरे धीरे रूह निकल रही है, पैर ने काम करना बंद कर दिया, एक हिस्सा खत्म, जिस्म के दूसरे हिस्से को मौत आने लगी, रूह ऊपर की तरफ बढ़ी, अभी आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, लब कभी कभी हिलते हैं, मगर जब तीसरी बारी तो इसने सांस लेना बंद कर दिया, मगर यहां इतनी देर नहीं लगेगी सर से पांव तक रूह निकल लेगी, पर जितनी देर तकबीर कहने में लगेगी मैं तवज्जो चाहूंगा उतनी ही देर में इसकी रूह बदन से परवास कर जाएगी। एक ही तो वाकया है तारीख में रूह दाखिल करने का, उसके अलावा पूछा नहीं, मसनू मुकम्मल हो गया। फैसा सब्बे तो जब मैं इसे बना चुका हूं और नफस तो फी है मिन रूही, और जब इसने मैं अपनी रूह में से रूह तुम सब के साथ हमने पसंद खुदा की अली के इस मोजिसे से पहले सिर्फ एक मतलब सुना था कि बदन में रूह दाखिल होती है। सिर्फ सुना था के नहीं, सुना था कि बदन में रूह दाखिल होती है और बदल से रूह निकलती है। फिर टिकट को अली के जमाने में देखा कि कैसे रूह बदल से निकलती है, बदल से रूह निकलते तो पूरी दुनिया ने देखा, दादा के सराहने देखा, बाबा के सराहने देखा, बेटे के सराहने देखा, बहुत बात में आप नहीं समझ नहीं हूं मैं, मगर मैं आखिरी बात कह रहा हूं, दाखिल कैसे होती है मैं एक बात देके खत्म कर दूं, है कि आप दो मिनट से सुन चुके हैं थक रहे हैं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं कैसे रूह दाखिल हुई। आज ही के दिन
शाम पहुंची है। कल के मसायब से मैंने मुतसिल कर दिया, अली की बेटी रोती हुई अपने भैया पे करबला से शाम आ गई। आज आपको जनाबे ज़ैनब की तरफ से हुसैन का मातम करना है, मगर इतना तूनानी सफर करने के बाद भी जनाबे ज़ैनब अभी तक अपने भैया को दिल भर के नहीं मिल सके। कल मैंने अर्ज किया था कि एक बहन करबला से अपने भाई का मातम करते हुए शाम आ गई, एक चार बरस की बच्ची अपने बाबा पे रोते रोते करबला से शाम आ गई। एक मजलूम बेटा, मैं बुलंद आवाज से रोने के लिए जब कहता हूं तो उसमें एक राज होता है, बुलंद आवाज से रोइएगा, इसलिए कि आजादी से अहले हरम को रोने भी नहीं दिया गया। जब कोई बीबी हाँ हुसैन कह के रोती थी तो बस में ताजिया, क्या मजाक थी कि कोई बीबी हाँ हुसैन कह के रो। यहां तक कि इस बच्ची को भी नहीं माफ किया गया। मैं एक सूत्रा कहता हूं, रो गया कभी कभी तो हाय बाबा करके रोने पर सकीना उनके रुखसार में ऐसा करना चाहिए पौधा कि ये बच्ची मां के बल जमीन पर गिर जाती थी। जज़ाक अल्लाह परवरदिगार, आप तो किसी गम में न रोना है। एक रसन बारह मिले, एक रसन बारह मिले, उसमें से एक हुसैन की यतीमा जिसका सिर सबसे कम था, और बीबी ने कहा है मैं नहीं कह रहा। जब यजीद ने कहा कि एक हाथ सकीना तुमने अपने गले में क्यों रखा है, तकरीबन
में दाखिल किया जाए? तो कहा नहीं, अभी इन्हें रोको। शाम में एक दरवाजा है जिसे पहले बाबे हलब कहते थे। क्या कहते थे? बाबे हलब। अब क्या कहते हैं उसे? साड़ी देख रहा हूं, तुम शाम जरूर जाएंगे। बाबू साहब कितनी देर में तुमने देख लिया? नगरानी की बेटी के लिए मिलता है कि दो सूरज की हो गए। अली की बेटी नहीं करेंगे। सबसे कम की रिवायत यह है जो अल्लामा मोहम्मद मोहम्मद इश्तिहादी ने लिखा है कि 3 घंटे इन सीनों को बाबू साहब पर खड़ा रखा गया। सबके पैरों में फर्म आ गया। अगर मेरा भैया हुसैन न कहता तो किसकी